अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। टीएनसी अप्लाई। शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने डॉक्टर शंकर राव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रभारी अधिष्ठाता डॉक्टर श्यामराव वाकोड़े को मलमूत्र सफाई करने को बोला, जिससे पूरे देश के बहुजन संगठनों द्वारा इस घटना का विरोध जताया जा रहा है। इसी श्रृंखला में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा संविधान चौक पर निषेध सभा का आयोजन किया गया था। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी दलित एवं पिछड़े वर्गों पर जातिवादी नेताओं द्वारा अत्याचार हो रहे हैं। कहीं बाबा साहेब की रिंगटोन बजाने से युवक को मौत की घाट उतारा जाता है, तो कहीं उच्च शिक्षित अफसरों को मनपुत्र साफ करने के लिए बोला जाता है। यकीनन यह सिर्फ उनका ही नहीं तो संविधान का अपमान है। ऐसी असंतोषजनक प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के नागपुर शहर अध्यक्ष रवि शिंदे ने व्यक्त किया है, जहां मौजूद सभी ने डॉक्टर शंकर राव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज में घटी घटना का तीव्र शब्दों में निषेध जाहिर किया। तो वहीं आरोपी सांसद हेमंत पाटिल पर एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज करने की मांग भी इस वक्त मौजूद ने की है। पिछले महीने में नांदेड़ जिले में एक ऐसी घटना घटी कि आज भी इस देश में जातिवाद किस तरह पनप रहा है और उसको किस तरह हवा दी जा रही है, इसका उदाहरण नांदेड़ जिले में आदिवासी समाज के वहाँ के महाविद्यालय में, वैद्यकीय महाविद्यालय में एक डीन थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ के डीन को वहाँ के खासदार जो हेमंत पाटिल है, जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जबरदस्ती अपने कार्यकर्ताओं को ले जाकर उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में जाके उनको नुतारी और सड्डा साफ करने लगा है जबरदस्ती। ये कौन सी मानसिकता है? हम लोग आज स्वतंत्र के इतने सालों के बाद भी आज जातिवाद को झेल रहे। एक डीन आदमी जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर वो डीन बन चुका है, डॉक्टर बन चुका है, उसको एक खासदार आदमी संडा साफ करने लगा था, ये क्या मान सकती है? उसका निषेध करने के लिए और आदिवासी समाज को आज भी किस दर्जे से। तो एमपी में उस दिन 1.5 महीना पहले एक भाजपा कार्यकर्ता एक आदिवासी के पर पिशाब करते हुए दिखा, सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। ये क्या चल रहा है बीजेपी के राज में? आदिवासियों के आंग पे पिशाब करना, आदिवासी समाज के डीन को, डॉक्टर को, उनको संडास साफ कराना, ये बराबर नहीं है। ये मानसिकता मनुवाद के तरफ फिर से इस देश को ले जाने की एक चाल है और संविधान को नष्ट करने की एक चाल है, अधिकारों से वंचित कराना एक चाल है। हम लोग कभी भी इस मनुवादी मानसिकता के विचारधारा को सहन नहीं करेंगे और संविधान बचाने के लिए काम करेंगे। हमारी मांग यह है कि वो जो हेमंत पाटिल खासदार है उसके ऊपर तत्काल एट्रोसिटी एक्ट का गुना दाखिल करके अटक करना चाहिए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है, आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।